ये है कि अभी जितने ये बैग्स हैं ये सारे के सारे अभी जो इनमें एक्स्ट्रा क्लोथ से जो ज़रूरत नहीं थी या एक दो बैग में हमें खाली भी हैं तो वो चीज़ें इधर रख दी, और ये फोल्डिंग मैट्रेस पे भी साइड पे रखा है। और ये टेबल है, ये जो हमसे पहले थे उन्होंने नहीं सेल आउट किया था, लेकिन वो कह रहे थे कि इसको आप बेशक फेंक दें या कुछ करें, तो इसको अरेंजमेंट हमने करना है। और ये आयरा के कॉट का स्टैंड है, इसका भी कुछ करना है। और ये सोफ़ा भी जो है ये बहुत बुरी कंडीशन में, इसको भी जो है फेंकना है। तो ये है कि फिर ये सेटल डाउन हो जाएगा कल इंशाल्लाह, मैं करूँगी बाकी, क्योंकि अभी तो बहुत थक गई हूँ मैं। तो आयरा की साइकिल की भी जगह जो है कहीं बनाती हूँ उसको, वैसे तो ये घर के अंदर ही चलाती है, तो ये कि बस साइड टेबल, एक साइड टेबल जो है रखूँगी रूम के अंदर, दूसरी की भी ज़रूरत हो दूसरी भी रख लूँगी, और वाइट वाली जो है इधर ही रहने दूँगी, क्योंकि जो ब्राउन वाली है ना उसके जो ड्रॉर्स की कीज़ है वो हमारे पास हैं। तो एटलीस्ट ये है कि उसके अंदर कोई, जैसे हस्बैंड गए थे कि कोई चीज़ होती है कई दफ़ा बंदे ने ब्लूटूथ या कोई चीज़ मैंने ड्रॉर के अंदर रखनी हो तो आयरा की वजह से हमें लॉक करना पड़ता है, तो फिर ये कि लॉक कर देते हैं, अदरवाइज आयरा छेड़ती है हर चीज़ को। तो बस थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं अरेंज करना, अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी ज़्यादा अरेंजमेंट जो है बेहतर हो चुका है। आज इस कमरे को भी मैंने जो है डिनर के बाद फ़ौरन जो है हस्बैंड को साथ लगवाया था हेल्प के लिए, कि भाई आप जल्दी जल्दी, मैं खाली करती आ रही थी कार्टन्स, और वो जो है फिर कार्टन्स को स्पेयर करके बाहर फेंक के आए हैं। तो अब थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं, अब इस शॉपर के अंदर काफ़ी ज़्यादा शॉपर्स मैंने इकट्ठे करके रखे हुए हैं, तो ये कि अब शुक्र अल्लाह का काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, बिल्कुल मिनिमम हो गई चीज़ें। ये कमरा भी इंशाल्लाह कल तक मेरी पूरी कोशिश है कि इसको कंप्लीट कर लूँ सेट ना। तो ये कि सोफ़ा तो फेंकते हुए टाइम लगेगा सारी बात है, लेकिन ये कि बाकी चीज़ें जो कर लेंगे अरेंज, ये कर्टन जो कर्टन है ये भी मेरे हस्बैंड ने कल लगा दिए थे, तो अब बाकी चीज़ें बस फैन को किसी कॉर्नर पर रख दूंगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो बंदा ऑन करता है, लेकिन ये कि बाकी सारा अरेंजमेंट अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल हो चुका है। कबर्ड में भी मैंने चीज़ें जो हैं रखी हैं, अभी ये चीज़ें ऊपर मैंने वैसे ही रखी हैं, लेकिन ये कि अभी हिम्मत नहीं थी, कल बाकी अरेंजमेंट करूँगी। और अभी जो है कुछ कपड़े मैंने सेट करके रखे हैं, ये कि देखूँगी बाद में किस तरह सेटिंग हो सकती है, बस ये कोशिश करूँगी क्योंकि अभी तो मैं एक टोटल पूरा कर रही हूँ कि भाई अभी मतलब सेटअप किस तरह करना है टोटल कर रही हूँ, फिर जब टाइम मिलेगा तो फिर टाइमली जो है चीज़ें करती जाऊँगी साथ साथ। ये के साथ वाली भी थोड़ी सी कर ली है, ये देखें थोड़ी बहुत कर ली सेट, लेकिन अभी भी मैं सोच रही थी कुछ आयरा की शर्ट्स जो हैं वो प्रेस करके लटका दूंगी बाद में ना, तो ये कि बस अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है काफ़ी ज़्यादा हो गया काम कंप्लीट। ये ऊपर वाला सेटअप करना है मैंने, मैं सोच रही थी मेडिसिन कुछ पड़ी हैं, लेकिन वो किचन में काफ़ी कैबिनेट्स हैं जिनमें जगह है, लेकिन किचन में मैं रख नहीं सकती क्योंकि हीट की वजह से ख़राब हो जाएगी, तो मैंने ये प्लान किया कंटेनर मेरे पास एक बड़ा पड़ा हुआ है तो उसके अंदर जो है ना मैं डाल दूंगी चीज़ें, मेडिसिन वगैरह डाल दूंगी, एक जगह हो जाएंगी ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो पता हो कि इसी वाले कंटेनर के अंदर मेडिसिन हैं सारी। तो ये बस जो डेली की चीज़ें इनको सेट करके एक तरीके से रखूँगी कि एक कॉर्नर पे हस्बैंड की हो और एक कॉर्नर पे मेरी और आयरा की हो, तो देखते हैं या फिर यूँ रखूँगी या फिर अगर अंदर जगह बन गई तो अंदर रख दूँगी किसी भी खाने के अंदर, क्योंकि यूँ बाहर पड़ी मुझे वैसे इतनी पसंद नहीं है, मुझे होता है कि सारा कुछ अंदर हो, इतना कोई बाहर कोई चीज़ इतना रखना हो बड़ा मुझे मैसी सा लगता है एकदम से। खैर एनीवेज जो भी है इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ कि आज तक क्लियर हो और ये सब कुछ सेट हो जाए फाइनली, उसके बाद ये है कि बाद में जब टाइम मिलेगा किचन की कैबिनेट्स डोर सब कुछ क्लियर करना है एक दफ़ा अच्छे तरीके से, सफाई करनी इनकी। और ये आयरा यहाँ पर मस्तियाँ कर रही है बहुत ज़्यादा, अभी ये आयरा की फॉर्म का भी देखना है कि किधर रखी जाए, वैसे तो बाहर ही रखी जा सकती है क्योंकि बाहर जो गैलरी है ना उसमें काफ़ी जगह है, तो ये कि गैलरी में भी रखी जा सकती है और देखते हैं। गैलरी में भी रखी जा सकती है, यहाँ पर भी काफ़ी जगह है, यहाँ पर भी रख सकती हूँ, देखते हैं मेरे इंशाल्लाह खैर करे। अभी ये कि आयरा का दूध ख़त्म हो गया था, फिर यहाँ पर ही पास में ग्रॉसरी है तो वहाँ से ना उनको कर दिया था कि ऑर्डर कर दिया था कि भई आप प्लीज़ होम डिलीवरी कर जाएं, तो अल्लाह का शुक्र है वो कर गए हैं, एटलीस्ट ये कि बिल्कुल ही ऐसा प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, अगर नहीं भी जा सकती कोई चीज़ कम भी हो जाए, वैसे तो ये कि हम लोग वीकली पूरी ग्रॉसरी मंथली करके रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ कम हो जाए तो एटलीस्ट ये कि मैं ऑर्डर कर सकती हूँ और वो चीज़ होम डिलीवरी मतलब हो जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है सब कुछ, इंशाल्लाह अल्लाह आसानी करे। ये मस्जिद मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना इसको देखते हुए, हमेशा मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने ये नोट किया शारजा में मस्जिद जो है, मस्जिद के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना इन्होंने तवज्जो दी है,
बहुत बड़ी बड़ी मॉस्क होती हैं मस्जिद, और काफ़ी अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। अभी मैं उस दिन रस्ते में, जब हम दुबई यहाँ पर फर्स्ट टाइम मैं आई थी विज़िट करने के लिए, तो दुबई में वापस जब जा रहे थे, तो उस वक्त मैंने देखा था कि रास्ते में जो आ रही थी मस्जिद हैं वो बहुत प्यारी थी और बड़ी बड़ी थी। तो पहले ये कि मैं, वही बात है कि शादी से पहले, आयरा से पहले मैं हर जुम्मे को जाके, यहाँ पर तो होता है ना कि हम जा सकते हैं, औरतों का अलग से होता है सेक्शन, तो ये कि मैं जाती होती थी हर जुम्मे को और नमाज़ पढ़ती थी सुकून से वहाँ पर ना, तो बड़ा मज़ा आता था, बहुत सुकून आता था, और बिल्कुल मदीना मनवरा और मक्का शरीफ वाली फीलिंग आती थी। तो ये कि अब आयरा के साथ ज़रा ये होता है ना कि आयरा को लेके जाएं तो बच्ची है, शोर मचाए, डिस्टर्ब करे बाकी लोगों को, तो फिर बाकी नमाजी जो हैं वो फिर अक्सर होते हैं जो बिल्कुल भी ना वो बर्दाश्त नहीं करते, वो बोलने लग जाते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा। फिर मैं सोचती हूँ कि चलो कभी अगर मूड हो तो चलो बंदा देखते हैं, लेकिन आयरा थोड़ी सी समझदार हो जाना। अब मेरे साथ जो है ना मैडम इधर खड़ा के खड़ी हैं, अपने शूज़ ले आई हैं कि भाई मुझे जो है ना शूज़ पहनाओ, ये मैडम का हालत है। लेकिन ये कि अब गैलरी जब से क्लियर किया है ना, तो मैं इसको खोल देती हूँ, जब किचन में काम करूँ उस वक्त भी मैं स्पेशली ये गैलरी ओपन कर देती हूँ, मैं कहती हूँ कि चलो भी बैठो और जो है ना इंजॉय करो, तो बैठती अंदर बाहर होती रहती है, लेकिन मुझे कहती है कि भाई तुम मेरे साथ चलो, या फिर अपने अब्बा जी को खींच रही होती है भाई कि आप भी मेरे साथ चलें। तो ये कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा एरिया बन रहा है अलजादा के नाम से, तो यहाँ पे कह रहे थे कि ज़्यादा का कोई पार्क भी है बहुत अच्छा बच्चों के लिए, तो अब देखेंगे, अभी तो खैर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, बहुत थक चुके हैं हम लोग, और वही बात है कि ये फिनिश करें इंशाल्लाह काम सारा घर का, इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा होपफुली इंशाल्लाह एक दो दिन में, एटलीस्ट ये कि टोटल पूरा कर लेंगे, फिर बाद में करते रहेंगे जो होता रहेगा, ये मेन ये कि टोटल पूरी जो सेटिंग है वो कर लें, गंद वगैरह उठा लें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। आयरा साहब देखिए ये एक्टिविटी, क्या बात है बेटा, आयरा क्या कर रही है, आयरा आप क्या कर रही हो, इधर क्यों बैठी हो, चलो आओ चले अंदर, आओ आ जाओ, कम 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 कम, अच्छा चलो आ जाओ, आ जाओ, मुझे अब कह रही है शूज पहनाएं जी, ये देखेंगे टाइम हमारा सोने का नहीं, शूज पहनने का, शूज, और ये शूज भी अब इसको छोटे हो रहे हैं लेकिन नहीं यही पहनने, चलो पहनो।